हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कुर्ती के लिए नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 इंचेस की चौड़ाई का और 15 इंचेस लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। फिर हमें फोल्ड किए हुए हिस्से से 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है। ऊपर से हम 6.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। फिर हम नीचे की तरफ 14 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाएंगे और इन मार्क को इस तरीके से जॉइंट करेंगे। मार्क को जॉइंट करने के बाद यहाँ से मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरीके से मार्क कर यहाँ भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ ऊपर से हम राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर की तरफ हमें 1-1 इंच का मार्जिन रखना है और ऐसा ही नेक डिज़ाइन ड्रॉ करना है। फिर हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। बीच में से एक्स्ट्रा बुकरम को निकालने के बाद साइड में मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है, उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 20 इंचेस लंबाई का और 5 इंचेस चौड़ाई का इस तरीके का फैब्रिक कट किया हुआ है। फैब्रिक को हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर रॉन्ग साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और दोनों ही साइड पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों ही साइड पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस वाले फैब्रिक को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेना है। फैब्रिक को सीधी तरफ पलटने के बाद दोनों ही तरफ में 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क कर लूंगी। सेंटर वाला जो हमारा हिस्सा है वो यहाँ पर 2 इंच का बचेगा। अब हमें डिज़ाइन तैयार करने के लिए 2 इंचेस की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी को कट कर लेना है। पट्टी को हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों ही तरफ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर पट्टी की दोनों ही तरफ सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी में से हमें 6 इंच की पट्टियों को कट कर लेना है। इस तरीके से 6 इंच की पट्टी को कट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके का डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करना है। इस तरीके से हम सभी पट्टी को फोल्ड करेंगे और हमारे डिज़ाइन को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हमें इस वाले डिज़ाइन को हमारे सेंटर वाले फैब्रिक में कुछ इस तरीके से सेट करना है और किनारी पर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। सेंटर वाले फैब्रिक में इस तरीके से डिज़ाइन को अटैच करने के बाद अब हमें हमारे बुकरम वाले नेक को कुर्ती में अटैच करना है, जिसके लिए हमें हमारी कुर्ती वाली फैब्रिक की सीधी साइड और हमारे बुकरम वाले नेक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है। पहले हमें सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, फिर हमें नेक की किनारी पर सिलाई लगानी है। बुकरम वाले नेक को इस तरीके से कुर्ती में अटैच करने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें कुछ कुछ इंच की दूरी पर कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे।
पूरे ही नेक में इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम बुकरम वाले नेक को हमारी कुर्ती की फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलट देंगे और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमने जो सेंटर में डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उसे हमें नेक की सेंटर में इस तरीके से सेट करना है और नेक की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। नेक की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से मोती को नेक में अटैच किया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से मोती को अटैच करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।